हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। और पता है, आज मैंने अपनी मम्मी को इंस्टा पे वीडियो बनाना सिखा दिया, तो मम्मी ने सुबह मेरे साथ भी बना ली और अपने पापा के साथ चली गई है। मेरे को छोड़ छाड़ के इस कमरे में अकेले और जाकर अपना वीडियो बना रहे हैं। देखो आवाज़ आ जाएगी आपको गाड़ी की। मैं हो गई हूँ रेडी, ऑफिस में एंट्री कर लिया। भाग जल्दी भाग। देखो कैसे भाग के घर ही है, तो डाकुओं की तरह ऑफिस में एंट्री कर लिया हमने। अरे इसको पहचानते हो, ये कौन है? ओ भाई, लड़की पूरी स्टाइल में आ रही है। तो गाइस, आज रोज की तरह आज भी ब्रेक में बाहर आ चुके हैं और आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं ज्योति को ऐसे कर आई हूँ, उसको बुलाया भी आ रही होगी। देखते हैं स्कूटी कहाँ से निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो मैडम आ चुकी हैं। मैं कहाँ देख रही है ये? मुझे तो लगा सीधा जाएगी। सरप्राइज है, देखो तो सारे काम आते ना। ये कैसे अंकल है, ये दाढ़ी वाले अंकल, ऐसे देखना। तो आप इधर देखो क्या ये, तो क्या करना है इसका? चाबी है तो स्कूटी चलानी, पकड़ो उसको। क्या मेरे अंकल से नजर नहीं हटी। कौन सा अंकल है? गाइस वाले अंकल देखो ना। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मेरा मन नहीं करता चलाने का, तो तुम मेरे को चला के आदत तो आप सही चलाने वाले रैप पड़ेगा। सुन ले, तो मैंने सिर्फ बोला था कैमरा हिल गया आपका। हाँ, तो ये स्कूटी स्टार्ट हो गई। तो अभी स्टार्ट नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा सा हिली हुई है। तो ये ब्रेक है, ये कहाँ की ब्रेक है? कौन सा आता है? सीधा। यार तुम मजे ले रही है, जल्दी बता दे, मेरा दिमाग खराब ना कर। ये कौन सा आता है? उल्टा आता है ना, तो उल्टे हाथ की ब्रेक 5-6 की होता है। पीछे की सीधे हाथ की ब्रेक आगे की, ठीक है? नहीं तू निकालो ना एक बार, फिर मैं करता हूं। क्या वो फंस गई स्कूटी? हाँ, चाबी फंस गई। निकालो ना। गाइस आप देख रहे हो, उसको स्कूटी की चाबी निकालनी नहीं आ रही। जाएगी फिर बिना मतलब में टेढ़ी हो जाएगी। निकालो ना। नहीं तू निकालना होगी ना, मेरे को मत बोलना। ये देखो गाइस, ये स्कूटी ऑन है और ये चाबी निकाल रही है। अब निकालिए जरा। अच्छा, ये सीख गई स्कूटी, सीख गई भाई। तू पास है, 100% पास है, 100% मार्क्स आ गए तेरे। 100% दे दिए ना, मैं बोल रही हूँ ना, 100% मार्क्स आ गए। अब मुंह मत बना। ऑन करके और स्टैंड को सबसे पहले हटाना है, इसका ध्यान रखना है। स्टैंड हटाया, ठीक है? इस ब्रेक को दबाते हैं, इसको दबाया, स्कूटी स्टार्ट, ठीक है? अब सीधा हमें फोकस रखना है कि आगे हमारे कोई ना है, तो हम ब्रेक पे हाथ रखेंगे पहले। ये जो ब्रेक है इस पर हाथ हमेशा होना चाहिए और इस रेस को हम धीरे धीरे देंगे, ठीक है? यू ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना, जब हमें नहीं चलानी आती तो पैर को लटका सकते हो। पैर नीचे होने चाहिए तुम्हारे। क्या हाँ मैं क्या नहीं 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 ठीक है? 8 क्लास से स्कूटी से चला रही हूँ, काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है, तो मैं तेरे को भी सिर्फ 5 टिप्स दे रही हूँ, ठीक है? अगर तू सीख गई तो तेरे को ठीक है, पार्टी मिलेगी। सबसे पहले हाथ हमारा ब्रेक पे, स्कूटी स्टार्ट करी और फोकस हमारा आगे, ठीक है? दूसरा, मुड़ते जो आए दाएँ बाएँ यहाँ पे भी मुड़ना, इंडिकेटर का ध्यान रखना है। रोकते समय स्कूटी को ऐसे नहीं रोकोगे कि ऐसे रोक लिए गिरोगे फटाक से, नहीं तो ऐसे पैर छोटी भी ब्रेक लगा दी तो गिरोगे। दोनों पैर नीचे, फिर ब्रेक लगानी है, ठीक है? उसके बाद जब तुम नई स्कूटी चला रहे हो तो ये जो रेस है ना, इसको कंट्रोल में रखना है। अगर तुमने एकदम से दबा दिया तो ये भगेगी तुम्हारे पास से, तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। इसको चलाना तुम्हें हल्की हल्की रेस पे। जब तुम धीरे धीरे चलाना निकल जाओगे ना, सीखना स्टार्ट कर दोगे, तब तुम्हें आराम से स्कूटी आ जाएगी, ठीक है? तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से दिन भर। तो मैंने इतना तेरे को ज्ञान दे दिया है कि स्कूटी बंदा कोई भी चला लेगा, ठीक है? इसलिए मुझे 5 टिप बताई है। हाँ, अब ये सीख ले, इससे तेरे को परफेक्ट स्कूटी आ जाएगी जितनी मुझे आती है। मैं बचपन से चला रही हूँ और तू भी बहुत अच्छी स्कूटी चलाई। तो पहली टिप उसने मुझे ये बताई है कि ये रही चाबी। हाँ। उसके बाद इसने मुझे बताया है कि स्टैंड से नहीं हटाना है, पहले हमें यहाँ से करके रखना है। हाँ। और उसके बाद हमें यहाँ से ये ब्रेक दबा के, ये सेकंड टिप है। यहाँ पे ब्रेक दबा के हमें ये जो सेल्फ स्टार्ट का बटन होता है इसका क्लिक करना है। क्लिक नहीं करना, उसको दबाना है। हाँ, मतलब दबाना है। उसके बाद हटाना है स्टैंड से, तीसरी टिप है। और उसके बाद फिर धीरे 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 रेस देंगे अपने अकॉर्डिंग। स्कूटी को स्टार्ट करने के बाद ना, और स्टैंड को हटा दिया, हटाने के बाद हाँ फिर धीरे धीरे। हाँ, और वो मुड़ने का क्या बताया था? मुड़ने के लिए आपने मुझे चौथी टिप ये बताई थी, अगर हम रोड से मुड़ रहे हैं, अगर हमें पीछे वाले को इंडिकेटर देना है कि हमें इस साइड जाना है, तो ये है लेफ्ट साइड का बटन, ये है राइट साइड का बटन। और कभी भी, और फिफ्थ टिप इसने मुझे दी है कि कभी भी आपको ब्रेक लगाना हो, ये है लेफ्ट, कभी भी ब्रेक नहीं लगाना हो, ब्रेक पे हमेशा ध्यान रखना और ब्रेक पे हाथ लगा के रखनी है। आपको ब्रेक पे हमेशा ध्यान देना है। कभी कभी ये तो सीख जाएगी, कभी हमें ब्रेक लगाना हो, ये थोड़ी ना स्टार्ट करती घर जाके ब्रेक लगाएगी। लेफ्ट ब्रेक और ये है राइट ब्रेक। लेफ्ट और राइट इसमें कौन सा होता है? आपने बोला था ये लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड का ब्रेक है। ये लेफ्ट साइड का ब्रेक है, लेकिन टायर कौन सा रोकता है? पीछे वाला रोकता है ये। अच्छा। और ये वाला जो राइट है ये आगे वाला टायर रोकता है। हाँ। बट अगर हम नए हैं तो हम इसका ज़्यादा प्रयोग करेंगे, इससे स्कूटी उछल सकती है, तो हम इसका कम प्रयोग करेंगे। इतना ज्ञान मुझे इसने दे दिया है। और तो अब आ गई, अब चला के दिखाएं। अभी हम ब्रेक लगा। गाइस, इसने पहले स्कूटी रोकी है, फिर ब्रेक लगाई है। अच्छा लगा मुझे, तो बैलेंस हो जाएगी ना, इससे पता चलता है कि तुम चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे। इसको ऐसे खींचना स्कूटी को बहुत जरूरी है। तो अभी हम तेरी बहुत जरूरी स्कूटी सीखनी, और अब हम तेरे को रोज स्कूटी ऐसी सिखाएंगे, तू ऑफिस में मेरी रोज स्कूटी लगाएगी और तू ही निकालेगी रोज स्कूटी, ठीक है? और सफाई भी करेगी। आज हमारी छुट्टी हो चुकी है और ये रेडी हो रही है स्कूटी निकालने के लिए, और अब हम जाएंगे घर की ओर। तो गाइस गुड नाइट, घर पहुंच के अब मैंने कपड़े पर चेंज कर लिया, खाना वाना खाते हैं, हम सोएंगे, आप भी सो जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, शुभ रात्रि, शब्द है।